ये आप देख सकते हैं हमारा एलईडी टेस्टर ग्लो कर रहा है। अब ये देखें, उससे अगली तार है, उससे अगली पिंक कलर की तार है जिसके अंदर हमारा करंट आना चाहिए, मगर देखें इसके अंदर मैं अपना टेस्टर लगाता हूँ, हमें कुछ भी करंट नहीं मिलता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये सीरीज़ में काम करते हैं, जब तक एक सेंसर ख़राब हो जाएगा तो आगे के सेंसर को करंट पास नहीं करेगा। आप ये देख सकते हैं ये पिंक कलर की वायर के अंदर मैंने पिन लगाई है और सेंसर इसका उतरा हुआ है, उधर कुछ भी करंट नहीं आ रही है। अब ये देखें जैसे ही मैं इसके अंदर ये सेंसर लगाऊंगा उधर हमारे करंट आ जाएगा, ये आप देखें। ये देखें ये सेंसर मैंने लगाया, टेस्टर ग्लो करने लग पड़ा है, ठीक हो गया। जैसे ही मैं इसको फिर उतारूंगा उधर करंट गायब हो जाएगा, ये देखें ये उतारा है, करंट गायब हो गया। ये सब सीरीज में लगे होते हैं, पीछे से तीन तारें आती हैं, तीन तारें इस सेंसर में जाएंगी, फिर इस सेंसर से आउटपुट जो तारें निकलेंगी वो आगे के सेंसर में जाएंगी। ये देखें अब जैसे ही मैं ग्रिप लगाऊंगा उधर टेस्टर ग्लो करेगा, वो देखें। मतलब अगर आपका एक सेंसर भी ख़राब हो जाएगा तो अगला सेंसर काम नहीं करेगा, जब अगला नहीं करेगा तो आपका कोई भी सेंसर नहीं चलेगा। अब ये सेंसर लगाने के ऊपर इसके अंदर करंट आ गई है, अब ये सेंसर जब मैं लगाऊंगा तो इससे अगले के अंदर करंट आ जाएगी, और जब ये तीसरा मैं लगाऊंगा तो फिर चौथे के अंदर आ जाएगी। इस तरीके ये सीरीज़ में चलता है। तो ये हमारा फर्स्ट सेंसर बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, अब इससे अगला सेंसर के अंदर भी करंट नहीं आ रहा है जब तक हम ये नहीं लगाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा सेंसर लगा के उसके अंदर भी करंट आ जाएगा, ये आप देखें ये सेंसर है इसका। अब जैसे मैं ग्रिप लगाऊंगा इसके अंदर हमारे अगले सेंसर में करंट आ जाएगा, ये आप देखें ये सेंसर मैंने लगा दिया, अब इधर हमारी करंट आ जाएगी जो 8 वोल्ट है। मेरे साथ कोई बंदा नहीं है जो हेल्प कर सके कैमरा पकड़ के, इस वजह से वीडियो अकेले हाथ बनाते हुए बड़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि ये लाजम दो हाथों से करने वाला काम है, मगर मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक्सप्लेन कर सकूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो सके। टोयोटा में लेक्सिस में भी इसी तरीके ही ऑपरेट करता है सिस्टम, पीछे से तीन तारें होती हैं आगे आके 6 हो जाती हैं। ये फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं फर्स्ट सेंसर बिल्कुल हमारा ठीक था, मैंने आपको चेक कराया, ये सेकंड हमारा बिल्कुल ठीक है सेंसर, आप देख सकते हैं ये सेकंड लगाने के ऊपर हमारे थर्ड वाले की वायर के अंदर भी वाल्टी जाने लग पड़े हैं। पीछे इसका जो कलर कोडिंग है आप देख सकते हैं ग्रीन कलर की वायर है, ये ग्रीन कलर की वायर है जो इसके 8 वोल्ट के हैं। आप ये देखें इधर लगाने पर वो ग्लो कर रहा है, जैसे मैं ये सेंसर उतारूँगा उधर वाल्टी जाना ख़त्म हो जाएंगे। ये देखें ये मैंने सेंसर उतारा है उधर वाल्टी जाना ख़त्म हो गए हैं, जैसे ही मैं ये सेंसर लगाऊंगा आप देखिएगा हमारे वाल्टी उधर आ जाएंगे, हमारी लाइट ग्लो करने लग पड़ेगी। ये देखें ये सेंसर लगाया उधर वाल्टी जा गए हैं, ये मैं उतारता हूँ, ये देखें उधर लाइट ऑफ हो जाती है, फिर जैसे मैं इसे लगाता हूँ उधर अगले सेंसर की करंट आ जाती है, मतलब ये सेकेंड वाला भी हमारा ठीक है। अब हम थर्ड में लगाने के बाद ये चौथे को चेक करेंगे, क्योंकि इनमें से कोई एक सेंसर का फॉल्ट आ रहा है जिस वजह से हमारा सिस्टम नहीं चल रहा है। ये तीसरा सेंसर लगा के चौथे में चेक करते हैं और फिर देखते हैं, इसकी सारी वायरिंग हमें ट्रेस करनी पड़ेगी, क्योंकि वायरिंग के अंदर इशू आएगा तो हमारे कोई भी सेंसर काम नहीं करेंगे, अगर कोई सेंसर भी ख़राब होगा तो सेम इसी तरह होगा। ये आप देख सकते हैं ये तीसरा सेंसर अब मैंने लगा दिया है, अब ये चौथे का ग्रिप जो आ रहा है इसके अंदर हमारी 3 वायर हैं, अब देखेंगे इसमें से कोई फॉल्ट अगर है सेंसर में तो काम नहीं करेगा, अगर वायर में फॉल्ट है तो फिर भी सिस्टम ऑपरेट नहीं करेगा। अब ये इसके अंदर हम चेक करेंगे हमारे जो 8 वोल्ट आ रहे हैं उसमें आने चाहिए चौथे में भी, क्योंकि इधर से जो वायर निकल रही है ये वायर बनती है, आप ये देख सकते हैं स्लेटी कलर की, इधर अगर हम चेक करेंगे तो वोल्टेज मिलना चाहिए हमें। ये देखें ये स्लेटी कलर की वायर में इधर वोल्टेज मिल रहे हैं हमें, आप देख सकते हैं तीसरे नंबर के सेंसर में। अब इधर भी स्लेटी कलर की जो तार है उसमें हम चेक कर लेते हैं, सेंटर वाली वायर बनती है ये,
आप देख सकते हैं इधर हमारे वोल्टेज नहीं आ रहे हैं, और ऑलरेडी इधर वायरिंग भी किसी ने पहले की हुई है, तो इसे खोल के चेक करते हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है इसमें। इसकी कंटिन्यूटी भी चेक करेंगे, जब तक हमारे इधर 8 वोल्ट नहीं आएंगे सो चौथा सेंसर काम नहीं करेगा। जब तक चौथा काम नहीं करेगा पीछे का कोई सेंसर काम नहीं करेगा। मैं ये खोल लेता हूँ फिर आगे वीडियो कंटिन्यू करके आपको दिखाता हूँ। तो जी फ्रेंड्स, इसका फॉल्ट अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेस हो गया। आप ये देख सकते हैं ये फायरिंग पहले किसी ने रिपेयर की हुई है, और इसके अंदर इस जगह पे हल्की सी जो है वायर के अंदर दबी हुई थी, मतलब ऊपर से इसके बिल्कुल स्लीव प्रॉपर थी, जैसे मैंने इसे खींचा तो वायर अंदर टूटी निकली। अब ये मैंने दोबारा इसे जॉइंट किया और अब ये आप देख सकते हैं इधर हमारा टेस्टर ग्लो कर रहा है, और जो वायर हमारी स्लेटी कलर की इधर है उसमें भी अब अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें ग्लो करने लग पड़ा है। तो फॉल्ट इसका इस जगह पे निकला है ये वायर के अंदर। ऊपर से वायर की कोर बिल्कुल ठीक थी मगर अंदर वायर डैमेज थी, जैसे ही मैंने इसे थोड़ा सा पकड़ के खींचा है वायर टूटी हुई निकली। अब ये मैंने छील के इधर जॉइंट किया है, और अब हम इधर अपना सेंसर लगा के चेक करेंगे हमारा प्रॉब्लम जो आ रहा है वो सॉल्व होता है कि नहीं। ये इसका चौथा सेंसर है, और ये आप देख सकते हैं ऑलरेडी कस्टमर इसके पहले सेंसर ये चेंज करवा चुका है मगर फॉल्ट क्लियर नहीं हो सका था। तो ये स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया किस तरीके हम डायग्नोस कर सकते हैं। अब ये मैं चौथा भी इसमें लगाने लगूँ और फिर अंदर जाके हम चेक करते हैं हमारा जो कोड है वो क्लियर होता है कि नहीं। ये चौथा भी इधर मैंने लगा दिया, अब इसे इधर हम ऊपर रख देते हैं। ये आप देख सकते हैं इस तरह मैंने इधर टांग दी है इनको, और अब अंदर जाके चेक करते हैं। इग्निशन ऑलरेडी हमारा आनी है, देखते हैं अब हमारा सिस्टम एक्टिव होता है कि नहीं। आप देख सकते हैं इग्निशन ऑन था क्योंकि हम चेक कर रहे थे पीछे। डायग्नोस में जाएंगे, होंडा सेलेक्ट करेंगे, इधर से मैनुअल कर लेते हैं, इंटरनेशनल 16 पिन कनेक्टर। प्रॉब्लम हमारे बॉडी में आ रहा है, BCMs के साथ ये रिलेटेड होता है, BCM में डायरेक्ट चले जाते हैं, ओके कर देते हैं। ये कम्युनिकेशन हो जाता है थोड़ी देर में, फिर देखते हैं इंशाल्लाह जो हमारा एक्टिव कोड आ रहा था पहले वो क्लियर होता है कि नहीं। कोड क्लियर होगा तो इंशाल्लाह फिर हमारा ये सिस्टम भी एक्टिव हो जाएगा। फॉल्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमने ट्रेस कर लिया है, पीछे जो आखिरी सेंसर था हमारा राइट साइड का उसके साथ कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था जिस वजह से हमारे सेंसर नहीं चल रहे थे। इधर से ओपन हो गया इंटरफेस, BCM पार्किंग सेंसर में जाएंगे। DTC एनालिस्ट आप देख सकते हैं माशाल्लाह नो DTC हो गया, ऑटोमेटिकली इसका DTC जा चुका है। अब इधर से रिवर्स गियर डाल के चेक कर लेते हैं क्योंकि DTC तो इधर से जा चुका है। अब इधर से रिवर्स डालते हैं, ओ माशाल्लाह आप ये देख सकते हैं रिवर्स डालते साथ ही हमारे पीछे का सेंसर एक्टिव हो गया। ये आप रेड कलर का एरो देख सकते हैं आने लग पड़ा है और साउंड देने लग पड़ा है। जैसे मैं इधर से बटन को डिस्कनेक्ट का दबाता हूँ, ऑफ करता हूँ, आप देखें स्क्रीन ऑफ हो गई है। इधर से अब मैं दोबारा देखें ऑन करता हूँ, ये एक्टिव हुआ है, और देखें आप पीछे माशाल्लाह रेड कलर का एरो आ रहा है क्योंकि सेंसर हमारे ज़मीन पर पड़े हैं जिस वजह से ये रेड एरो शो कर रहा है। न्यूट्रल करते हैं, देखें आप सिस्टम ऑफ हो गया है इधर से, और इधर आप फॉल्ट कोड नो DTC आप पहले देख सकते हैं हमारा जो कोड था वो रेज नहीं हो रहा था, अब अल्हम्दुलिल्लाह नो DTC है। तो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर से एक बार मैं रिवर्स डालता हूँ, ये आप देखें रिवर्स डालते साथ ही पीछे अलार्म दे रहा है क्योंकि सेंसर ज़मीन पे है, ऐसे ऐसा डिटेक्ट हो रहा है कि ऑब्जेक्ट उसके बिल्कुल पास है जिस वजह से इंडिकेशन कर रहा है, और फॉल्ट हमारा नो DTC। अब पीछे चलते हैं और जो वायरिंग का इशू है उसको अच्छे तरीके से इंसुलेशन कर लेते हैं, और फिर सेंसर वगैरह अपने बम्पर में फिट करते हैं, और फिर लास्ट में मैं आपको फाइनल चेक करवा दूंगा। गियर इधर से न्यूट्रल कर देते हैं और इग्निशन ऑफ कर देते हैं। अब मैं एक बार फिर आपको चेक करा देता हूँ, नो DTC हो गया, आप ये देख सकते हैं। इधर से दोबारा BCM पार्किंग सेंसर में जाते हैं, सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव हो गया, DTC एनालिस्ट नो DTC, और ये देखें जैसे ही अब मैं रिवर्स डालता हूँ सेंसर इंडिकेशन करने लग पड़े हैं, फॉल्ट हमारा क्लियर हो गया। तो फॉल्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वायरिंग में निकला।
ये तरीकेकार मैंने आपको समझा दिया है, स्टेप बाय स्टेप आपने अपने सेंसर को किस तरीके चेक करना है। ये चौथी वायर के अंदर ही फॉल्ट था, किसी ने वायर जॉइंट वगैरह की थी मगर चेक नहीं थी कि आगे से भी वायर दबी है, वायर दबी थी मालूम नहीं पड़ रहा था टूटी है या नहीं टूटी, क्योंकि ऊपर इसके बिल्कुल प्रॉपर स्लीव थी, ऐसे ही लग रहा था वायर बिल्कुल ठीक है, मगर किसी ने चेक किए बगैर ये सारा कुछ फिट कर दिया, सेंसर वगैरह भी चेंज करवा दिए मगर सिस्टम एक्टिव नहीं हो पाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉल्ट हमने क्लियर कर दिया है। डिजिटल मल्टीमीटर पे भी मैंने आपको चेक करवाया, पीछे से आप देख सकते हैं जो इसकी मेन वायरिंग है तीन आती हैं, आगे से तीन इस सेंसर में जाने के बाद आगे से तीन और निकल आती हैं, छः वायरें इसकी बन जाती हैं, फिर उससे अगले में भी इसी तरह तीन आती हैं आगे से छः बन जाती हैं, फिर तीन इन होती हैं और तीन आउट होती हैं छः बन जाती हैं, और लास्ट वाला जो सेंसर है उसमें तीन आती हैं। तो ये अब हम वायरिंग कम्प्लीट कर लेते हैं और इंशाल्लाह फिर बम्पर लगाने के बाद फाइनल आपको टेस्ट करवा दूँगा। टोयोटा में लैंड क्रूजर हो, टोयोटा का कोई भी ब्रांड हो, टोयोटा में लेक्सिस में इवन और काफ़ी सारी व्हीकल्स में ये सेम प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है। आप देख सकते हैं सारी वायरिंग के ऊपर मैंने हीट शरिंग कर दी है, ये लास्ट वाली है, अब इसके ऊपर भी हम कर लेते हैं और बाद में इंशाल्लाह फिर इसे फिटिंग कर देंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट किस्म की इस तरीके अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको इंसुलेशन कर दिया प्रॉपर, और अब ये ऊपर लगाने के बाद इसके ऊपर टेप कर देंगे और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो फॉल्ट था वो क्लियर हो गया। आप देख सकते हैं काम को अच्छे तरीके से किया है, प्रोफेशनल तरीके से किया है, ये लॉन्ग टाइम तक वायरिंग अब ख़राब नहीं होगी। अब इसके ऊपर इस तरह की कोटिंग करने के बाद इंसुलेशन कर देंगे और अपना बम्पर वगैरह फिट कर देंगे। जी फ्रेंड्स फाइनली आप देख सकते हैं वायरिंग हमारी कम्प्लीट हो गई है, ये आप देख सकते हैं पीछे से तीन तारें आ रही हैं, इधर आके तीन इसमें आने के बाद आउटपुट निकल रही हैं, इनपुट होने के बाद आउटपुट निकल के अगले सेंसर में जाती हैं, फिर इधर से इनपुट होने के बाद आउटपुट निकल के अगले तीसरे सेंसर में जाती हैं, इस तरह ये सीरीज़ में लास्ट में आने के बाद तीन बन जाती हैं। और आप देख सकते हैं वायरिंग अल्हम्दुलिल्लाह हमने कम्प्लीट कर दी है, अच्छे तरीके से इसको सब इंसुलेशन कर दिया है और उसके ऊपर हमने ये कर दिया इंसुलेशन अच्छे तरीके से, पाइप भी लगा दी है इसके प्लास्टिक का और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम इसे फिक्स कर देंगे। जी फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं रियर बम्पर वगैरह हमने इसका फिक्स कर दिया होंडा पायलट का, और सेंसर वगैरह मैं आपको चेक कराता हूँ गाड़ी स्टार्ट करके आगे के भी और पीछे के भी। अल्हम्दुलिल्लाह फॉल्ट हमने ट्रेस कर लिया था और अब गाड़ी कंप्लीट कर दी है। गाड़ी स्टार्ट कर दी है मैंने, इधर से आप देख सकते हैं पार्किंग सेंसर का बटन एक्टिव है। गाड़ी सबसे पहले रिवर्स में डालते हैं, आप देख सकते हैं कैमरा ऑन हो गया, पीछे हमारी इसके वाल आ रही है, मैं जैसे गाड़ी उसको करीब करूंगा आप देखिएगा उधर डिस्टेंस शो करेगा और अलार्म भी देगा, ये देखें जितना करीब करता जाऊंगा उसके मुताबिक ये डिस्टेंस चेक करके अलार्म तेज़ करता जाएगा और इधर एरो भी चेंज होता जाएगा आप देखिएगा, ये देखें गाड़ी करीब हुई है, जो ऑब्जेक्ट उसके करीब आए हैं उस जगह पे इंडिकेशन करने लग पड़ी है, पीछे आप देख सकते हैं वाल में करीब आने के बाद ये इंडिकेशन करने लग पड़ी है, थोड़ा सा और बैक जाएंगे तो ये बिल्कुल डायरेक्ट साउंड देगा, ये देखें। अब आगे करके भी चेक कर लेते हैं आगे के सेंसर, ये आप देख सकते हैं आगे का सेंसर भी प्रॉपर काम कर रहा है, गाड़ी के आगे ऑब्जेक्ट है आप ये देख सकते हैं, आगे से बंदा भी गुजरा है इंडिकेशन कर रहा है। अब रिवर्स डाल लेते हैं और वापस मैं गाड़ी लगा देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह फॉल्ट हमने क्लियर कर दी है, गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट हो गई है, आपको मैंने चेक भी करवा दी है, गाड़ी रिवर्स में लेके जा रहा हूँ दोबारा से, ये देखें प्रॉपर काम करने लग पड़ा है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा हासिल होगा। पांच वक्त नमाज पढ़े, कुरान पाक पढ़े, तो बस तक फार करें, अगर किसी के साथ नेकी और भलाई करने का मौका मिलता तो ज़रूर करें, यही दुनिया आखिरत की कामयाबी है। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा।
अपना इलम दूसरों के साथ बांटें ताकि लोग अच्छा और बेहतर रोज़गार कमा सकें। यह सदका जारी है। अल्लाह हाफिज़।